फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग सीएन का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है अपना हेमिंग कोड्स। तो हेमिंग कोड्स क्या होता है, जो अपना एरर करेक्शन और डिटेक्शन वाला जो मेथड है, उसी का एक और हमारे पास वर्जन आ गया है, वो है हेमिंग कोड। तो लास्ट हमने देखा था सीआरसी, तो सीआरसी के बाद जो मेथड काफी एफिशिएंट भी है और वाइडली यूज्ड है, वो है अपना हेमिंग कोड। तो हैमिंग कोड्स आर लीनियर ब्लॉक कोड्स, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। इट इज एन एरर करेक्टिंग कोड। अभी करेक्टिंग कोड है तो डिटेक्ट भी करता ही होगा, तो डिटेक्शन और करेक्शन दोनों ये प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या यूज हो रही है, ये पैरिटी बिट्स ही यूज करता है, पर यहाँ पैरिटी चेक जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, और अपने मतलब जो ये रिजल्ट तुमको जो प्रोवाइड करता है वो कम में ज्यादा अच्छा, मतलब काफी एफिशिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जो पैरिटी बिट्स है, दे आर इंसर्टेड इन बिटवीन द डेटा बिट्स, मतलब जो डेटा बिट्स है उनके बीच में हम इनको प्लांट करते हैं, ये पैरिटी बिट्स को। तो जो रिसीवर एंड पे होता है वो फिर इनको कंसिडर करता है, इनको एनालाइज करता है और फिर एरर करेक्ट या डिटेक्ट जो भी है वो करता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज इज अ 7-bit हैमिंग कोड। तो हम भी आज 7-bit हैमिंग कोड देखने वाले हैं। अदर वर्जन्स आर 15-bit, 23-bit, बड़े बड़े हैमिंग कोड भी होते हैं, पर हम आज 7-bit हैमिंग कोड देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब 7-bit हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें अब हमारे पैरिटी बिट्स का पोजीशन कहाँ आएगा वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो 2 के पावर्स में हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि 2 raised to 0 विल गिव मी 1, तो फर्स्ट बिट पे मेरा पहला पैरिटी बिट आएगा। 2 raised to 1 विल गिव मी 2, तो सेकंड प्लेस पे मेरा सेकंड पैरिटी बिट आएगा। 2 raised to 2, अब 0, 1, 2, क्योंकि 2 raised to m होता है, फिर m 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट पैरिटी बिट आएगा 2 raised to 2 पे, मतलब 4 पे, तो 3 पे मेरा फर्स्ट डेटा बिट आ गया और 4 पे मेरा थर्ड पैरिटी बिट आएगा। अब नेक्स्ट वाला पैरिटी बिट का आएगा 2 raised to 3, मतलब 8 पे, तो 5, 6, 7 के बाद अगर नेक्स्ट जब मैं 15-bit हैमिंग कोड बनाऊंगा तो 8th पोजीशन पे मेरा नेक्स्ट वो आएगा, और उसके बाद सीधा किस पे आएगा, 16 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा बेस। तो जो मेरा अब 7-bit हैमिंग कोड में 4-bit का डेटा ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो 4 data bit ये हो गए और 3 data bit मेरे पैरिटी हो गया, तो टोटल मेरा 7-bit का हैमिंग कोड तैयार हो गया। तो ये तो इसका बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि हम वैल्यूज कैसे डिसाइड करेंगे पैरिटी बिट्स के। अब डेटा बिट्स तो ऑलरेडी हमको पता होंगे, पर ये पैरिटी बिट्स तो चाहिए ना, तो पैरिटी बिट्स को कैसे हम ग्रुप करेंगे, तो पहले ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैरिटी बिट, मतलब फर्स्ट पोजिशन, तो 1 का हमारा बाइनरी वैल्यू कहता है 001, उसी तरह 2 का 010, 3 का 011, 4 का 100, 100, 5 का 101, 6 का 110 और 7 का 111। तो अब यहाँ पे खेल क्या हो रहा है कि जो 1 का पोजीशन है ना, उसके बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं। तो हम पहले फर्स्ट बिट का देखेंगे, इसका पोजीशन 1 का कहाँ है, एकदम लास्ट वाला। तो हम देखेंगे लास्ट पोजीशन वाले 1 किस किस में, तो 1 में है, थर्ड पोजीशन पे है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, फिफ्थ पोजीशन पे और फिर डायरेक्ट 7th पोजीशन पे। तो 1, 3, 5, 7 को ग्रुप करके मैं मेरा P1 डिसाइड करूंगा हर बार। क्या हो रहा है, 1 का हम ये देख रहे हैं पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन 1 का कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो 1, 3 और 5th और 7th पोजीशन को मिला के हम पैरिटी बिट 1 को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरह P2 का देखते हैं, P2 का 1 का वैल्यू का है 2nd पोजीशन पे, तो 2nd पोजीशन कौन सा 1 है, ये भी है। तो अभी तुम लोग बोलेंगे इसमें 3rd वाला आया तो इसमें आएगा क्या, हाँ आएगा, क्यों, क्योंकि इसका 1 का पोजीशन सेम है P2 की तरह। तो 2nd पोजीशन पे कौन सा 1 है, यहाँ का है, 2 का है, 3 का है, उसके बाद में फिर देखते हैं 2 का है, 3 का है, फिर 6 का है और 7 का है। तो 2, 3, 6, 7 मिलके मेरे को P2 डिसाइड करने में मदद करेंगे। उसी तरह P3 का कैसा है, P3 में मेरा फर्स्ट बिट पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 ये चारों मेरे एक ग्रुप बन जाएगा, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने देख लिया, 1, 3, 5, 7 P1 डिसाइड करेगा, 2, 3, 6, 7 P2 और 4, 5, 6, 7 P3, ठीक है। अब केसेस क्या क्या आ सकते हैं इसमें, या तो मुझे इवन पैरिटी करनी होगी या तो मुझे ऑड पैरिटी करनी होगी। तो ऑड इवन पैरिटी मैं कैसे करूंगा, जैसे P1 मेरे को पता नहीं होगा, पर 3, 5th और 7th पोजीशन के डेटा बिट्स तो पता होंगे 3, 5th और 7th के,
तो इन तीनों में अगर मेरा अगर मेरे को समझो इवन पैरिटी करना है और ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो मैं पी वन को क्या डिसाइड करूंगा कि हाँ मैं उसको सेट कर दूंगा, तो उसके वजह से नंबर ऑफ वन इवन हो जाएंगे या ऑड हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो तुम लोग के जो आइडिया है वो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ बिट वर्ड 1011 इज टू बी ट्रांसमिटेड, कंस्ट्रक्ट द इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड। तो यहाँ पे डेटा वर्ड क्या है, 1011, जैसे कि हमने डिसाइड मतलब देखा था कि 7 बिट हैमिंग कोड में 4 डेटा बिट ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इवन पैरिटी है ये ध्यान रखना है। तो स्टेप वन क्या है, कोड वर्ड फॉर्मेट में लिखना है जो हमने अभी देखा। तो यहाँ पे P1, P2, P3 हमारा डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, और D1, और इसको हम कैसे लिखेंगे, D4, D3, D2, D1, इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 1 0 1 मतलब पीछे से आगे आएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमको क्या डिसाइड करना है, P1, P2 और P3। ठीक है, तो अभी पहले आ जाते हैं डिसाइड P1 पे। तो P1 कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमने कौन से बिट्स कंसीडर किए थे पहले देखा था, लास्ट जो अभी इसके पहले हमने देखा 1 3 5 और 7। तो 1 तो मेरा P1 ही हो गया, 3 पे क्या है 1 है, 5 पे क्या है 1 है, और 7 पे क्या है 1 है, मतलब थर्ड पोजीशन पे भी 1 है, फिफ्थ पोजीशन पे भी 1 है और सेवन्थ पोजीशन पे भी 1 है, और मुझे इवन पैरिटी देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी 1 डाल दूंगा, मतलब मैं मेरे P1 को सेट कर दूंगा। तो P1 का वैल्यू डिसाइड हो गया। कैसे किया डिसाइड, जो कंसिडर्ड बिट्स थे उसमें P1 का मुझे वैल्यू नहीं पता, तो बाकी के जो थे उनको देखा तो 1 1 1, तो मुझे इवन पैरिटी करनी है। तो यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो अगर मैं यहाँ 0 डाल दूंगा तो ऑड पैरिटी हो जाएगी, पर मुझको क्या करनी है इवन पैरिटी, इसके लिए मैंने 1 डाल दिया। तो इस तरह से P1 डिसाइड हो गया मेरा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमको P2 डिसाइड करना है, P1 का वैल्यू मिल गया है 1। अब P2 डिसाइड करने के लिए कौन सा ग्रुप बनाया था हमने, 2 3 6 और 7 का। तो 2 सेकेंड पोजीशन पे तो P2 है तो कुछ नहीं आएगा फिलहाल, फिर 3 थर्ड पोजीशन पे अपना 1 है, फिर 6th पोजीशन पे अपना 0 है और 7th पोजीशन पे अपना 1 है। हमको क्या करना है, इवन पैरिटी। तो इवन पैरिटी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना है नंबर ऑफ वंस। तो अभी यहाँ का तो मुझे डिटरमाइन करना है, तो ये काउंट करूंगा तो 1 2, सो इट इज इवन, इवन नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी है, तो यहाँ 1 लिखूंगा तो ऑड हो जाएगा, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा, तो मुझे P2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। समझा, अब बढ़ते हैं आगे लास्ट P4 सेट करने पर। तो P4 सेट करने के लिए मुझे P1 P2 मिल गया, अब P3 सेट करना है, सॉरी P4 नहीं आएगा यहाँ, P3 आएगा, तो P3 सेट करना है मुझको। तो P3 के लिए मुझे कौन सा ग्रुप देखना पड़ेगा, 4 5 6 7। तो 4th बिट पे तो मेरा P3 आता है, तो 5 6 और 7 डिटरमाइन करते हैं। तो 101, और मुझे क्या देखना है, इवन पैरिटी। तो 101, तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, जो 5 6 और 7 पे है वो 101 है रिस्पेक्टिवली, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना चाहिए, तो मुझे इवन पैरिटी मिलेगा, तो ऑब्वियसली मुझको 0 डालना चाहिए, तो हो गया ना इवन पैरिटी। तो P3 का वैल्यू आ जाएगा 0, तो मेरा फाइनल कोड वर्ड क्या होगा, 101 01 01, और ये वाला जो कोड वर्ड है इसको मैं ट्रांसमिट कर दूंगा रिसीवर को। तो इस तरह से मैं हैमिंग कोड यूज करता हूँ एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। तो ये था वीडियो ऑन हैमिंग कोड, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मंथ पे पढ़ते हैं। पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे www.lastmonthtuition.com, तो जाइए वहाँ पे पूरा कोर्स एनरोल कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। इनके हमने नोट्स भी बनाए, क्योंकि यार एग्जाम में नोट्स जरूरी है ना यार, तो उसके हमने नोट्स भी बनाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।